हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। अभी हम सीखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल थोड़ा देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सोशल इंजीनियरिंग कैसे की जाती है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इंसान की साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उसको कब्जे में कर लेना और धोखाधड़ी से, या आप कह सकते हैं उलझा कर उसे अपना काम निकाल लेना, या उसको कहीं पे अटैक में शामिल कर लेना। शामिल कर लेना मतलब उसको अपने बनाए हुए जाल में फंसा लेना। ये ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। जब फिशिंग करते हैं तब आप जब नकली पेज बनाते हैं तो किसी यूज़र को बुलाते हैं कि आप इसमें जाइए, लॉगिन कीजिए, तो वो लॉगिन क्यों करेगा? तो वही तरीका बुलाने का जो होता है उसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। कैसे किया जाता है मैं एकदम ग्राउंड लेवल से आपको बताऊंगा ताकि हर किसी को समझने में आसानी हो। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आपको समझने में आसानी होगी, और आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले गूगल पर हैं और लिखेंगे यहाँ पर फेसबुक फिशिंग ईमेल। मतलब जो फेसबुक में फिशिंग यूज होती है, जो स्कैम करते हैं लोग, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो फिशिंग ईमेल कैसा बनाते हैं और कैसा दिखता है वो, इस पे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर है फेसबुक न्यू लॉगिन सिस्टम। हाँ तो ये देखिए, ये बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं। देखिए, इन एन अफोर्ड टू मेक योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस सेफर एंड मोर इन्जॉयबल, फेसबुक विल बी इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू लॉगिन सिस्टम दैट विल अफेक्ट ऑल फेसबुक यूजर्स। These changes will offer new features and increased account security. Before you are able to use the new login system, you will be required to update your account. Click here to update your account online now. If you have any questions, reference our new user guide. ठीक है? तो यहाँ कहने का मतलब ये है इस ईमेल का कि आपके जो फेसबुक अकाउंट है, मतलब जो हमारा जो फेसबुक का सिस्टम है वो अपग्रेड हो गया है, मतलब उससे आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे पहले आपको अपना अकाउंट अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐसी जो चीजें हैं, कोई अकाउंट अपडेट नहीं करना है, और अगर अकाउंट अपडेट करना ही होता तो फेसबुक नहीं कर लेता खुद से, वो आपको क्यों बोलेगा? वो तो फेसबुक का मालिक है, वो खुद क्यों नहीं कर सकता? तो ऐसी चीजें कभी भी फेसबुक किसी को नहीं बेचता। तो जो स्मार्ट यूजर है, जो ऐसी चीजें करते हैं जिनके बारे में पता है, वो बिल्कुल इस झांसे में नहीं आने वाला है। अगर मुझे ऐसे ईमेल आएंगे तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अगर एक नॉर्मल यूजर को ऐसा ईमेल आएगा तो वो झट से इस क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कर देगा। ठीक है, और वो कहाँ पहुंच जाएगा? फिशिंग पेज पे, जहां पर वो फंस जाएगा, अपना अकाउंट की डिटेल्स डालेगा। तो ये केस सिर्फ फेसबुक तक ही नहीं होता, ये बैंक्स में भी होता है। तो ये तो रहा ईमेल का किस्सा। अब फोन कॉल्स भी आती है, फोन कॉल्स आएंगी और वो लोग बोलेंगे आपको कि सर आपका बैंक अकाउंट है ना ब्लॉक होने वाला है, और आप मुझे अपना कार्ड नंबर बताइए। तो एक नॉर्मल सा यूजर होगा जिससे ज्यादा नहीं पता है तो अपना कार्ड नंबर बता देगा कि हाँ, तो बोले सर ये तो आपका ब्लॉक हो जाएगा, हम तो आपका कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आप एक काम कीजिए अपने कार्ड के लास्ट 3 डिजिट या मुझे CVV दीजिए। तो CVV दे देगा यूजर, बोलेंगे सर ठीक है। तो उससे क्या करेगा वो, किसी शॉपिंग साइट में डाल देगा उसको, जो स्कैमर होगा या हैकर भी बोल सकते हैं आप। जैसे ही डालेगा तो एक डिजिट का, 3 डिजिट का या 4 डिजिट का जो कोड होता है, OTP जिसे बोलते हैं, वो आएगा उसके मोबाइल पे यूजर के। तो फिर वो पूछेगा बैंक वाला बन के ही, सर आपके मोबाइल में एक मैसेज आया है, तो हम बैंक से बोल रहे हैं, उसके वेरिफिकेशन के लिए आप वो कोड दे सकते हैं क्या? तो अगर यूजर को कुछ नहीं पता तो बोलेगा ठीक है सर रुकिए मैं देता हूँ, तो वो कोड भी दे देगा और उसके कार्ड से वो हैकर ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेगा और उसके अकाउंट से पैसे उड़ा लेगा। तो ये स्कैम ज्यादा है कम है, इसमें सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। आपने देखा कितना टेक्निकल चीज की उसने, टेक्निकल कुछ नहीं किया, सिर्फ जो खेल था वो सोशल इंजीनियरिंग था, मतलब धोखाधड़ी, लोगों को पागल बनाने का। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया आपको ताकि आप समझ पाए कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। देखिए एक और इमेज है यहां पर, कैसे पता चले? देखिए नोटिफिकेशन फेसबुक, ठीक है, इसका जो ईमेल का जो टाइटल है, सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है, नोटिफिकेशन फेसबुक स्पेस नहीं है, स्पेस होना चाहिए, स्पेलिंग पे भी ध्यान दें आप। और किस ईमेल से आया, मतलब किस ईमेल आईडी से आया, देखिए फील्ड्स एट द रेट ऑफ
leonscompany.com। क्या आपको लगता है कि फेसबुक का कुछ ऐसा ईमेल होगा? फेसबुक का ईमेल क्या होगा? support@facebook.com, राइट? यहाँ पर नहीं है, मतलब ये नकली है, ये एक स्कैम है, ये एक सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है, पागल बना रहा है ये इंसान, ये जो ईमेल है। चलिए, ये तो रहा कि चलो हमें ईमेल देख लेना चाहिए कि वो कहाँ से आया है और उसका सब्जेक्ट देख लेना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूं, ईमेल स्पूफिंग। चलिए, या मैं आपको लिख देता हूं फेक मेलर, ठीक है? चलिए, फेक मेलर क्या करता है जरा ये देखते हैं हम। देखिए, ये जो साइट है या ऐसी और जो साइटें, देखिए, ये अलाउ करती हैं कि आप अपना फेक ईमेल आईडी दिखाकर, मतलब किसी भी ईमेल आईडी से आप ईमेल भेज सकते हैं। सोचिए आप एक बार, देखिए, फ्रॉम, आपको अपना ईमेल क्या दिखाना है? फ्रॉम नेम, क्या नाम दिखाना है? देखिए, कुछ भी डाल सकते हैं आप। और ईमेल अपना क्या दिखाना है, किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या होगा, और ईमेल भेजिए, ईमेल लिखिए और यहां पर ये फॉन्ट डालिए और सेंड कर दीजिए। मतलब आप किसी भी ईमेल आईडी को स्पूफ करके किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। तो अगर फिशिंग हैक को इससे किया जाए, इससे भेजा जाए, तो वहां जो ईमेल था वहां पर तो support.facebook आएगा, यहाँ फ्रॉम में अगर हम लिखेंगे तो, ठीक है? तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना। तो इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए? एक्सपीरियंस से। फेसबुक कभी भी ऐसी चीजें नहीं बोलता है कि हमारा सिक्योरिटी चेंज हो रही है, आप अपडेट कर लो, ये सब हो रहा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ईमेल्स आपको नहीं आएंगे, ना ही एसएमएस आएंगे। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, और यही होता है सोशल इंजीनियरिंग, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये इनसाइडर है एकदम। ये हैकर्स वगैरह ज्यादा क्लोज नहीं करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं किसी से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब होता है, ये सोशल इंजीनियरिंग होती है। आई होप आप समझ गए होंगे सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है और कैसे ये लोग करते हैं। थैंक यू सो मच।